दोस्तों आप सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ये लड़की है चंचल, इसका नाम है, और बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में कल इसकी जमकर पिटाई हुई। और इसका कहना है करीब 20-30 लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने मिलकर इसको बहुत पीटा है। यहाँ पर यहीं पर लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है, बाकी ये बताएगी कि क्या हुआ था इसके साथ। क्या नाम है? चंचल है मेरा नाम। चंचल, किसने पीटा आपको? एक तो वो वहाँ पे जो बैठी है उसका नाम तो पता नहीं है। किस लिए पीटा आपको? मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, गलती यहाँ तक थी मैं वॉशरूम के लिए गई थी, और जो शालू और कुमकुम है ये सबसे पहले गए थे वॉशरूम के लिए। मेरी छुट्टी होने में 10 मिनट थे, मैं गया पीछे से वॉशरूम करने, तो कुमकुम और शालू मुझे रास्ते में मिल गए। कुमकुम मेरे साथ आ गई वॉशरूम के लिए, शालू अपने ट्यूशन के लिए लेकर गई। तो वॉशरूम का था गेट बंद, और उसके बाद गेट बंद होने के बाद जो सनी नाम का लड़का वो आया पीछे से, इसने थोड़ी 15-20 मिनट उसके बात करी। उसके बात करने के बाद मैं और शालू वो कुमकुम फिर से वापस आ रहे हैं, फिर पीछे से वो लड़का आके वो उधर जो गली है उस गली में मुड़ गए, फिर ये पीछे से मुड़ गई। फिर उससे बात तो इसने कुछ की नहीं थी, कह रही थी मैं इसको इसको पता है मुझे जलाने के लिए कर रहा है, पलवल जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसने ये बोला। तो उसके बाद इसके भैया ने देख ली, भैया है वो कौन है मैं इतना जानती नहीं हूँ, पवन नाम है उसका, उसने देख लिया। तो वो मुझसे कह रहा था मैं तुझे बताऊँगा, मैंने कहा क्यों बताऊँगा, मेरी क्या गलती है, इसने पूरी बात सुने बगैर इसने कोई बात नहीं। फिर मैं अपनी दुकान पर आ गई, ये अपनी दुकान पर आ गई। सचिन और ये कुमकुम आपस में बात कर रहे थे, मेरे ऊपर सारा नाम रख दो, मैंने कहा मेरे ऊपर नाम रखने की कोई जरूरत ना है, ठीक है। उसके बाद इसने पता नहीं वहाँ नाम रख दिया इसने मेरा, तो पवन मुझ पर गोडाउन में लेकर गया, मेरे ऊपर पूछ रहा कि क्या बात हुई थी। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि तू किस काम से गई थी? मैंने कहा मैं किसी भी काम से जाऊँ वो तुम्हें थोड़ी ना बता के जाऊँगी मैं गई। तो इसने छूटते मुझ पर दो हाथ छोड़े, और मेरा पवन ने छूटते हाथ छोड़ने के बाद मेरे ऊपर मेरा हाथ मरोड़ दिया इसने। हाथ मरोड़ने के बाद मैं रोती रोती वापस आई। फिर ये सचिन फिर यूँ कह रहा है कि तू बिगाड़ रही है, तू बिगाड़ रही है। मैंने कहा तुम दोनों आपस में मिले पड़े हो, मैं क्या बिगाड़ूंगी, जो पहले से बिगड़ा हुआ है उसे मैं क्यों बिगाड़ूंगी, मेरा क्या मतलब पड़ा। तो उसने सचिन मेरे ऊपर हाथ छोड़ने की कोशिश कर रहा, मैंने कहा तू छोड़ के दिखा। तो फिर इसने मुझे इतना मारा कि सचिन ने मारा। हाँ सचिन ने। कहाँ रहता है सचिन? सचिन रहता नहीं है यहाँ, सिर्फ जो सामने दुकान है ना ये वाली, इस पे इसका लड़का है वो। तो फिर इसके बाद इसने मेरे ऊपर यूँ कहने लगी कि मेरे ऊपर चोरी का नाम लगाने लगी, क्यों वहाँ से 50,000। काम कहाँ करते हो? मैंने यहाँ भी काम किया है। अभी कहाँ कर रहे थे? अभी तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ हिमांशु भैया के पास। अच्छा, कहाँ पर है, कितना दूर है? ये रहा ना बगल में, यहाँ दुकान उन्होंने खोली नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इन सब ने मिलकर मुझे बहुत मारा। वजह यही थी कि उनका आरोप था कि आप उसकी बहन की किसी लड़की से बातचीत कराते हो, किसी लड़के से, हैं? इसमें आपका हाथ है? ये मेरा हाथ है ही नहीं, क्योंकि मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। और ये पहले भी पकड़ी गई है कई बार, मुझसे कह रही थी चंचल तू अपने ऊपर नाम ले लियो, मेरा पेपर चल रहा है फलाना ढिकाना, मैं पेपर में मुझे पढ़ाएंगे नहीं है आगे। चलो ये तो चलो जो चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको पीटा गया और लड़कों ने आप पर हाथ छोड़ा, तो ये गलत था आपका कहना है। हाँ जी, और मेरे ऊपर नाम भी लगाया जा रहा है कि मैंने इनकी दुकान में से चोरी करी है, यानी कि मैंने इनकी दुकान से 50,000 रुपए चुरा लिए। किसने आरोप लगाए हैं? वो जो वहाँ पे बैठी है उसने आरोप लगाया है। हाँ जी, खुली पड़ी है दुकान। उसने भी मारा था, पीटा था? हाँ उसने भी मारा पीटा था। आओ दिखाओ कहाँ पे है, आज वो देखते हैं किस किसने पीटा है। देखिए बल्लभगढ़ मुख्य बाजार से लाइव हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं एक लड़की को पीट दिया गया। देखते हैं कौन कौन है जो इस तरह से दिन दहाड़े एक लड़की को पीट रहा है। कह रहे हैं बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पीटा है इस लड़की को, और इसने बकायदा ट्रीटमेंट लिया है, मेडिकल वगैरह कराया है। किसने पीटा? ये लोग हैं, इनका लड़की है। हाँ, तो इस दुकान पे काम करती है, और एक दुकान वो है उस पर। अच्छा, और ये भी मेरे ऊपर हाथ उठाई थी। आप लोगों ने पीटा इनको मैडम कल? अच्छा, बहुत मारा मेरी लड़की को। तो इनका आरोप है कि ज्यादा मार पीट दिया। हाँ, और इनका कहना है कि राम राम आंटी मेरी बात सुनो, क्यों पीट दिया इसको? मेरी लड़की को, मेरी पोती को भगाने की कोशिश कर रही थी। 10 लड़के आए थे, 10-15 साल की लड़की है मेरी, पोती है मेरी 15 साल की, जब मैंने हाथापाई करी थी इसने 10 लड़के बुला के लाए। आपको डाउट हुआ कि ऐसा ये कर रही है? हाँ कर रही थी। 10 लड़के लेके आई, 10, और कह रही थी मैंने भी तो
कोर्ट मैरिज करिए, ऐसे तू भी कर ले उस लड़के के साथ। इसने कुछ नहीं हो सकता। फोन खुलवाऊं? फोन, तेरा फोन में नंबर है उस लड़के का? छोड़ दो, मेरे पास कहां से है? उस लड़के का नंबर है, उस लड़के को जानती है तू? मैं नहीं जानती। और मेरी लड़कियों को पीछे होके ले गई, गली में होके ले गई मेरी पोती को। अच्छा, आपको ये डाउट हुआ कि ये आपकी लड़की को किसी लड़के के साथ सेट करने में लगी, भगाने में लगी? हकीकत बात है, हकीकत, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। तो आप सबने मिलके पीट दिया इसको? हमने किसी ने नहीं पीटा, मैंने और मेरी बहू ने भी हाथापाई करी थी इसको, किसी ने नहीं पीटा इसको। ये चोट उठाई है, ये खुद अपने सिर मार मार के मार रही थी। तुम्हारा लड़का कहाँ है? ये सिर ना अपना मार रही थी। लड़का कहाँ है? कोई? अच्छा, मान लो आपकी लड़की है और ये है, तो दोनों को अलग कर दो, कह दो भाई तू इससे मत मिला कर ना। अब तो कर दिया ना, हमें तो मालूम ही कल पड़ा था, कर दिया इसका, कल सिर उठाड़े हो, कल आपकी लड़की, एक मिनट लड़ो मत, यहाँ लड़ो, आपकी लड़की ने कोर्ट मैरिज की है? नहीं करी, कोर्ट मैरिज करके बैठी है, तीन कोर्ट मैरिज किया है। अच्छा, हाँ सुनो सुनो, छोड़ती है, तलाक नहीं लेती। अच्छा जी, तो ज्यादा बोल रही है। और मैं बता रही हूँ, मेरी पोते को देखो, वो घड़ी 15 साल की पोती है मेरी। चलो, उनको तो हम सामने नहीं ला सकते, नाबालिग है, लेकिन मेरा सब वो घड़ी मैं अभी लाऊं, आधा का दिखा दो। कितने साल की है? 16 साल की है, 10वीं में पढ़ रही है। अच्छा, और ये लड़के कह रहे थे मैंने लव मैरिज करी है, तू भी इस लड़के मतलब जो मेरे मेरे लड़के के तो सवाल पिटवाए है, मेरा तक कभी कोई बात कह सके? तो पीटने से बढ़िया पुलिस में दे देती इसको, मेरे लड़के को मार रहा है, पुलिस को बुलाना था बगल में पुलिस। ये भी तो हमारे साथ हाथापाई कर रही थी, ये अकेले इसने, हाँ इसने हाथापाई करा था, तो मेरी बहू ने और मैंने हाथ उठाया था इसमें। अच्छा, आप लोगों ने, वो लड़का सचिन वचिन उसने पीटा है? किसी ने नहीं पीटा, पवन सचिन, कोई ना, अरे किसी ने भी नहीं, रिपोर्ट दे दी है इसने, रात को हमने भी दे दी थी रात को रिपोर्ट। झूठ बोलने तो कुछ नहीं होगा, चलो कैमरे वगैरह लगे होंगे उसमें, आ जाएगा आसपास लगे होंगे, उसको पता चल जाएगा, पुलिस से बोल देना, कैमरे वगैरह देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा किसने किसको पीटा है। अब देखिए, लड़कियां और लड़कियों के बीच में बातचीत थी, और इनको डाउट हुआ कि कोई लड़का है जिससे ये बात कराती है, जबकि इसका कहना ऐसा कुछ है नहीं, ये मामला था और इस सब ने मिलकर पीट दिया, तो ऐसा ये लोग खुद ही बता रहे हैं कि कल हमने पीटा है इस लड़की। अच्छा, आप मत लड़ो, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ो मत, लड़ो मत, पुलिस में शिकायत दे दो, जो कार्रवाई होगी करेंगे, मुकदमा करेंगे सीधे इनके ऊपर, जिन्होंने मेरी लड़की को रात को 8 बजे यहाँ पे मारो है, और कोई भी घंटा घर के मार्केट में बचाने वाले भी जो बचा रहे ना, उनके ऊपर भी हाथापाई कर रहे थे ये। अच्छा, और मैं गई थी, अरे मेरे से प्यार से बात करता हूँ, मेरे से पूछा कि आप कौन लगते, मैंने कहा मैं इसकी मम्मी, मेरे ऊपर भी हाथ छोड़ने लगी वो लेडीज जो बैठी थी। चलो जी, इनका आपस का मामला है, मारपीट तो हुई है, आप लोग देख रहे हैं, बाकी देखते हैं पुलिस इस मैटर में क्या जांच पड़ताल करती है। अब यहाँ पर कैमरे जरूर लगे होंगे कहीं ना कहीं, उसमें जरूर कुछ न कुछ हो सकता आया हो, और उसमें पता चल जाएगा किसने किसको पीटा, इन्होंने इनको पीटा या इन्होंने इनको पीटा, उसमें साफ साफ पता चल जाएगा। हमारी लड़की तो सारा कह रही है किसको किसको पीट लेगी, और ये 10-10, 20-20 लोग, 40-40 लोग। चलो जी, ठीक है, आपकी परेशानी दिखा दी, देखते हैं पुलिस इस मैटर में क्या कार्रवाई करती है, देखते हैं जो भी होगा बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।